पंजाबी कमनाम दे विच कैनेडियन खबरनामा की एक वड्डी खबर तुहाडे वास्ते। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वारियर्स वास्ते ऐलान किया। ऐलान मुताबिक ट्रूडो की सरकार ने सारे सूबों के नाल एक समझौता किया। इस दे बाद सारे सूबों की इस गल ते सहमति हुई है कि अजिहे लोग जो देश विच कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश के मरीजों की सेवा कर रहे हैं ते जिहड़े हस्पतालों विच तैनात ने उन्हां दी तनखाह विच वाधा किया जाए। इस वधी हुई तनखाह का जिहड़ा बोझ होवेगा वह ट्रूडो सरकार ने इस लई 4 बिलियन डालर का बजट तय किया। सरकार का हुण मनना है कि कोरोना वर्कर्स इन्हीं दिनी असाधारण काम कर रहे ने पर उन्हां नूं तनखाह बहुत घट मिल रही है। ट्रूडो ने कहा कि जेकर तुसी अपनी सेहत नूं खतरे विच पा के इस देश नूं अगे वधा रहे हो तां बहुत घट तनखाह लै रहे हो तां तुसी असल विच इस दे हकदार हो। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने तो बाद कनेडा विच हुण तक 30 लाख तो वधेरे लोग बेरोजगार हो चुके ने। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਈ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.2% ਵੱਧ ਕੇ 13% ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 1982 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। इस रिपोर्ट दे विच किया गया कि 11 लाख लोग अजिहे ने जो महामारी कारण कंपनियां बंद होण करके काम नहीं कर पा रहे ते इन्हां दा काम इन्हां नूं दूजे पासे हुण काम लभणा पै रिहा। पंजाबी खबरां दे विच इह सी हुण तक दी वड्डी खबर। खबरां देखणी सुणनियां पढ़नियां तां बने रहो अजीत वाला .com दे नाल।